गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सेवेंथ लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस बार जो ये लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको मेडिकल टर्म से रिलेटेड है। मेडिकल टर्म में आइए देखते हैं क्या क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेडिसिन दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन। कहने का मतलब है कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है जिससे आपका हार्ट बीट रिकॉर्ड होता है, तो वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। What do you call the doctor who treat disease of the heart? कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो डॉक्टर हार्ट की डिजीज़ को ट्रीट करता है, यानी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड आपको दवाई वगैरह देता है या चेकअप वगैरह करता है, तो उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेम एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में जो मेडिसिन प्रोवाइड होता है उस सिस्टम का नाम क्या है। जो पर्टिकुलर इंडियन सिस्टम है उसको हम लोग आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेडिसिन यूज टू क्योर मलेरिया। कौन सी मेडिसिन दी जाती है मलेरिया को क्योर करने में, तो वो है क्विनाइन। ओपीडी स्टैंड्स फॉर। ओपीडी जो अधिकतर हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि ओपीडी लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेम ऑफ द मेडिसिन यूज टू रिड्यूस पेन इन द हेड। कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे सर में दर्द होता है, तो एस्प्रिन। व्हाट डू यू कॉल द पर्सन हु स्टोर हैंडल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स मेडिसिन। कहने का मतलब दवाई की दुकान पे जाते हैं हम लोग, दवाई लेके आते हैं, तो दवाई के दुकानदार को क्या कहते हैं जो स्टोर को हैंडल करता है और दवाइयाँ प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं फार्मासिस्ट। PHARMACIST फार्मासिस्ट। What do you call the person who plans meals for the patient in the hospital? कहने का मतलब है जब कोई इंसान हॉस्पिटल में होता है तो उनकी डाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कौन मेंटेन करता है, कौन इस चीज़ को देखरेख करता है कि कौन मरीज क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, तो इसके लिए प्रॉपर एक टर्म यूज़ होता है डाइटिशियन। डाइटिशियन इज़ द पर्सन हु प्लान्स मील्स फॉर द पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। What is the name of the instrument used to inject medicine into the human body? कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है जिसके किसी भी इंसान को आपको मेडिसिन दिया जाता है, तो वो है सिरिंज। What is the name of the vehicle used to take people to and from hospital? कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि उस व्हीकल का नाम क्या है जिस व्हीकल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हॉस्पिटल आने के लिए और हॉस्पिटल से जाने के लिए, तो वो है आपका एम्बुलेंस। स्टूडेंट्स, मेडिकल टर्म्स की शुरुआत हो रही है, तो इसके बाद भी आपका साइंस से रिलेटेड ही ब्रांचेस है, ब्रांचेस के बारे में स्टडी करवाया गया है, तो इसमें देखिए क्या है। साइंस एज अ सब्जेक्ट इज सो वास्ट that it has been divided into several branches. Each branch of science deals with a particular field or subject. कहने का मतलब है साइंस की अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सबका अलग अलग नाम दिया गया है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल रबिस गार्बोलॉजी। कहने का मतलब है गार्बेज से रिलेटेड अगर कोई स्टडी होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको गार्बोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटी छोटी चीज़ों को जिस साइंस के डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कहने का मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट, टेक्टोनिक्स। कहने का मतलब जिस साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग अर्थ के क्रस्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक्स। द स्टडी ऑफ साउंड, अकॉस्टिक्स। कहने का मतलब जो साउंड से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, अकॉस्टिक्स। द स्टडी ऑफ बोन्स एंड मसल्स डिफॉर्मिटी। कहने का मतलब हड्डी से रिलेटेड अगर और मसल से रिलेटेड जो स्टडी हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। कहने का मतलब आपके छतों पे काई वगैरह जो जम जाता है उससे रिलेटेड जो स्टडी वगैरह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी।
डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग। कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी, यानी कि जिस स्टडी में हम लोग एनिमल और प्लांट के रिलेशंस, यानी एनिमल और प्लांट के रिलेशन, यानी एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में स्टडी हो जाए, तो और उनके सराउंडिंग्स के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में कहने का मतलब है कि उनके इर्द गिर्द का जो भी माहौल है उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब है एनिमल प्लांट और ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर जिस चीज़ में पढ़ाई होगी उसको क्या कहेंगे, एनाटॉमी। स्टडी ऑफ पॉइजन देयर इफेक्ट एंड क्योर्स, टॉक्सिकोलॉजी। कहने का मतलब पॉइजन से रिलेटेड स्टडी जिस सब्जेक्ट में किया जाता है साइंस के उसको क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स से रिलेटेड जब स्टडी हम लोग कहते करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर कोई स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगाई एंड फंगल डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर स्टडी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। टेक एंड टर्मिनोलॉजी, गिवन बिलो द सम स्टेटमेंट्स देयर आर टू टर्म्स फॉर ईच स्टेटमेंट ऑफ विच वन इज करेक्ट, टेक द करेक्ट टर्म इन ईच केस। इंजेक्शन कंटेनिंग किल और वैकन जर्म्स ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन। कहने का मतलब है कि ऐसा इंजेक्शन जो आपका डिजीज से लड़ने में काम आए या पहले ही आपको दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग वैक्सीन के नाम से जानते हैं। दिस इज ए लिक्विड दैट इज फिल्ड इन द सेल्स एंड प्लांट टिश्यू। ऐसा लिक्विड जो आपके सेल्स में और प्लांट टिश्यू में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप। प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड अंडर वाटर। कहने का मतलब ऐसे प्लांट और एनिमल जो हम लोगों को वाटर के नीचे मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, यानी वाटर के अंदर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक। टीनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग क्लोज टू ईच अदर फॉर्मिंग ए वेलवेट लाइक अपीयरेंस एल्गी। कहने का मतलब जो काई की तरह जो जम जाता है, आप देखते होंगे बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही, लेकिन बहुत ही टफ होता है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी। डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। कहने का मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। देयर आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स व्हिच आर कॉमनली नोन एज मॉड्यूल्स एंड स्मूथ्स। उसको क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग और नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंगी। The upward force that acts on a body when it is submerged in water, upthrust। कहने का मतलब है कोई बाहरी फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी पे जब उसको सबमर्ज किया जाता है वाटर में तो उसको क्या कहते हैं, upthrust। Organic substance produced inside the body by endocrine glands। जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं इंडोसाइन ग्लैंड्स के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स। वाटर दैट डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप। कहने का मतलब है कि ऐसा पानी जो आप जब साबुन लगाते हैं तो ज़्यादा झाग ना दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। द फिनोमिनन व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड सम पार्ट ऑफ मून और अर्थ इज इन डार्क। कहने का मतलब ऐसा मतलब समय जब सन मून और अर्थ जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाए, एक सेम लाइन में आ जाए तो उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, उस समय को हम लोग इक्लिप्स कहते हैं यानी ग्रहण कहते हैं। द एक्ट ऑफ फोर्सिंग ए लिक्विड इनटू ब्लड वेसल्स और टिश्यू। कहने का मतलब है हम लोग किसी प्रकार का लिक्विड ब्लड वेसल्स में अगर डालते हैं यानी नर्व्स वगैरह में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। केमिकल सब्सटेंस विच गेव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहने का मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो एसिड। ए माउंटेन दैट थ्रोज आउट हॉट एंड मोल्टन रॉक्स एंड लावा।
कहने का मतलब ऐसा पहाड़ जहाँ से आपको मोल्टेन रॉक्स और लावा बाहर निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनो। चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इंटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बाई कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड सर्फेस, कहने का मतलब है वाटर जो है अपना स्टेट्स बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। वो भी कब बदलता है, जब कोल्ड सर्फेस में, कोल्ड सर्फेस जब वो को टच करता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। दिस इज़ ए सब्सटांस दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कहने का मतलब ऐसा सब्सटांस जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक, आगे के लेक्चर के लिए फिर हम उपस्थित होंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपका असाइनमेंट है और स्पोर्ट्स टर्म्स हैं, वो सभी आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।